आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के प्रोग्राम में दोस्तों आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक नाटक चार दिन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल मराठी लेखक विजय तेंदुलकर, हिंदी रूपांतरकार नारायण गंगाधर वजे और निर्देशक सत्येंद्र शरत। ओह, शायद मेरे वजह से यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है। नो नो नो, नहीं। दरअसल आज मैं यहाँ इसलिए आई थी कि ऑफिस के लोगों से आखिरी बार मिल लिया जाए। कहिए सर, बरसों के संबंध भी कहीं एक झटके में टूट सकते हैं? Well, I don't know. I really don't know, Mr. Lee. सुबह के 10 बजते ही बीती बातें याद आने लगती हैं। मन रास्ता चलने लगता है। स्टेशन पर पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है, ट्रेन में सवार होता है और यहाँ आता है। सर, हाँ? मैं सोचती हूँ ये सब मेरे जीवन का एक बड़ा भाग बन चुका था, अब है नए मोड़, नए रास्ते। That's very good. तो आपको नया जॉब? What sir? जॉब? हाँ सर, मुझे एक नया जॉब मिल चुका है। Congratulations, Miss Delvi. Hearty congratulations. बड़ा खुश हूँ मैं ये खबर सुनकर। थैंक यू सर, थैंक यू। जॉब तो मेरे जीवन की इतनी एसेंशियल सी बात हो गई थी कि उसके बिना मैं जीवित ही ना रह पाती। सौभाग्यवश मुझे नया जॉब मिल गया, आज छुट्टी लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, दैट्स ए गुड न्यूज। आपका इंडाइजेशन क्या कहता है सर? मेरा? हाँ हाँ, मेरा मतलब अब तकलीफ कितनी होती है। नो, ये नहीं। मैंने नहीं कहा था सर कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी आपका इंडाइजेशन चालू रहेगा। लीजिए, ठीक वैसा ही हुआ ना, मैं गई और वेल मिस दलवी। अच्छा सर, मैं आपको और अधिक कष्ट नहीं दूंगी, फिर भी अनुमति दे तो जरा स्टाफ से मिल लूं। ओके, जरूर मिलिए, टिफिन टाइम हो ही रहा है, मैं भी अब लंच के लिए जाता हूँ। थैंक यू सर। सर, आप हमेशा ही मुझे ऑब्लाइज करते रहे हैं। नो मिस्टर जी, आप ऐसा न कहें। मैं जाता हूँ। गुड लक मिस्टर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ तो अब बताइए ऑफिस क्या कहता है, खुश तो हैं आप सभी? और डिसूजा क्या कहती है, कहिए मिस्टर मराठे। मैं अजी आपसे नहीं, इनसे, मराठे से पूछा है मैंने। कहिए मिस्टर मराठे, आपकी गृहस्थी क्या कहती है? आप सभी लोग बहुत बदल गए हैं, अपना नाम तक भूल जाते हैं, पूछती हूँ किसी से उत्तर कोई और देता है। मिस दलवी, आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? मेरे पिताजी की? हाँ हाँ, ठीक है, उनकी तबीयत अच्छे हो गए हैं, वो अच्छे हो गए। अच्छा, कब हुए? 4-5 दिन। मगर तू चुप रहे। हाँ मिस दलवी, आपकी आज यहाँ आने से हम सबको बड़ी खुशी हुई। आपकी अनुपस्थिति में पिछले 4 दिन ऑफिस बिल्कुल सुनसान लगता था। बस, इतना बड़ा चढ़ा कर कहना ठीक नहीं, मेरी हस्ती ही क्या है। मिस दलवी, मेरे ख्याल में आप में काफी चेंज हुआ है। मुझ में? हाँ। नहीं, चेंज क्यों होगा? या हो सकता है पिछले 4 दिन से भेंट ना होने के कारण हमें ऐसा लगता हो। हाँ, यही कारण ठीक है। और मजे की बात यह है कि मुझे आप सभी बदले हुए दिखाई देते हैं। साथियों, अपने जीवन के 7 सालों का हर दिन
और हर दिन के 6-6 घंटे मैंने यहाँ बिताए। यहाँ आप लोगों के साथ काम किया, बातें की, हंसी मजाक किया। मैं खुद हंसी और आप सभी को हंसाया मैंने। बड़े आनंद से भी थे वो दिन मिस्तरली। हाँ, और इसीलिए नोटिस मिलने पर भी मैं उन आनंद के दिनों को नहीं भुला पा रही हूँ। भला वर्षों के संबंध भी कहीं एक झटके में टूट सकते हैं। बड़ी अजीब हालत में बीते हैं ये 4 दिन मेरे। सुबह 10 बजते ही बीती बातें याद आने लगती हैं। दिमाग में विचारों का बवंडर उठता है, सोचते सोचते न जाने क्या हो जाता है। मेरी स्मरण शक्ति जवाब दे बैठती है और तब अच्छा मिस्टर मेहता, वहां कौन बैठता है भला? कहां मिस्टर ली? वहां उस टेबल पर। आप ही याद कीजिए। नहीं नहीं, याद नहीं आता, शायद आप। अच्छा, तो मिस्टर शास्त्री जी? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर याद नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, सचमुच बिल्कुल नहीं। एक लड़की बैठा करती थी। हाँ, डिसूजा? नहीं नहीं। तो फिर कौन हो सकती है वो? हे भगवान, क्या हो गया है मेरे दिमाग को? शायद जंग लग गया है उस पर 4 दिन बेकार रहने से। हाँ हाँ, उसे काम चाहिए। अंकों का जोड़ बाकी, ट्रेनों के टाइम टेबल, घड़ियों के अंदाज, साहूकारों के वायदे। अच्छा हुआ जो दूसरी नौकरी मिल गई मुझे। कब मिस तल्वी? गुड, कल कल से शुरू हुई है मेरी नई नौकरी। ओ, ए मेहता, चाय आ गई। वेल मिस तल्वी, चाय लीजिए। थैंक यू। थैंक्स किस लिए मिस तल्वी? जस्ट कैजुअली। मगर चाय की मैं शौकीन हूँ, बड़ी भाती है मुझे चाय। तो फिर लीजिए ना। हाँ हाँ, आप लोग भी लीजिए ना। अच्छा मिस तल्वी, आपको याद आया? क्या? यही कि उस खाली कुर्सी पर कौन सी लड़की बैठती थी? नहीं, सचमुच नहीं। आखिर कौन थी वो, कैसी थी? बड़ी अच्छी थी, रंग की सांवली, स्वभाव की मीठी, बहुत सोशल, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर। अच्छा? हाँ। कमाल है, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हुई? जरूर कुछ हुआ है मेरे दिमाग को। क्या होगा मेरा? मिस्टर की, चाय नहीं ली आपने अभी तक? चाय? नहीं नहीं, चाय मैं कभी नहीं लेती। बड़े भुलक्कड़ बन चुके हैं आज सभी। ये भी भूल गए कि मैं कोको लिया करती हूँ। शादी के बाद चाय छोड़ दी मैंने। शादी? वाह, ये भी खूब रही। मैंने इनविटेशन भिजवाए थे आप सभी के नाम, मगर कोई भी नहीं आया। आखिर क्यों? बात ये थी मिस दलवी के वो... शायद प्रेजेंट के डर से नहीं आए। हाउ सिली। अजी, प्रेजेंट की आशा से नहीं बुलवाया था मैंने आपको। आप मेरे मित्र हैं, इसीलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप सब शामिल हो मेरी खुशी में। वी आर सॉरी मिस दलवी, वी रिग्रेट, बट यू मिस्ड अ ग्रैंड इवेंट, बैंड, बारात और शानदार पार्टी। बड़ी इच्छा थी कि आपका परिचय कराऊं अपने मिस्टर से। वो भी बार बार पूछते रहे, तुम्हारे ऑफिस में से कोई भी क्यों नहीं आया। What might have happened, dear Minnie? Minnie? हाँ, यही नाम रखा है उन्होंने मेरा। भला क्या करती हैं आपके मिस्टर? वो एक गैजेटेड ऑफिसर हैं, PhD के लिए थीसिस लिख रहे हैं। स्वभाव भी बड़ा अच्छा है उनका। बड़ी खुशी हुई है जानकर। कांग्रेस में चल रही। थैंक यू, जरूर आइएगा हमारे बंगले पर, परिचय कराऊंगी उनसे सभी का। हाँ, क्यों नहीं, बड़ी भाग्यवान है आप। कृपा है भगवान की, जैसा चाहती हूँ चट से हो जाता है आजकल, बिल्कुल जादू के समान। बड़ी सुखी हूँ मैं इस समय, बड़ी सुखी। क्या बात है, आप सभी घूर घूर के क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या मैं कोई अजनबी हूँ आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, मगर अब आपकी शादी जो हो चुकी है। अच्छा।
तब मैं काफी बदली हुई दिखाई देती हूँ। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी शादी ही नहीं हुई बल्कि मैं माँ भी बन चुकी हूँ। मिस दलवी। क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सचमुच मैं माँ बन चुकी हूँ। एक बेबी है मेरी, गुड़िया सी छोटी बेबी, सुंदर, सुडौल, नटखट। बात क्या है, मैं इतनी सुखी हूँ, मगर ये सब सुनकर आप लोग खुश नहीं दिखाई देते। क्या विश्वास नहीं होता मेरी बातों पर? नहीं नहीं, बड़ी खुशी है हमें ये जानकर मिस तल्वी। कौन जाने सही क्या है। खैर, अब चलती हूँ मैं, ड्राइवर रुकता रहा होगा राह देखते हुए। अच्छा अच्छा मिस तल्वी। अच्छा, वो कुर्सी वाली लड़की जब काम पर आए तो उसे कहना क्या? यही कि मैंने उसे बुलाया है अपने बंगले पर मिलने। अच्छी बात, ख्याल रखना, भूलना नहीं। नहीं मिस तल्वी, मगर आपके बंगले का पता? पता? हाँ हाँ, एक कागज तो दीजिए। ये दीजिए कागज। थैंक यू। पेन, पेन प्लीज। हाँ, ये लीजिए मिस तल्वी। वेरी मच। लीजिए मेरा पता। अच्छा, मैं जाती हूँ, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, काफी देर हो चुकी है। अच्छा मिस तल्वी, बाय बाय। बाय बाय बाय। मेहता, क्या है, पता पड़ा? हाँ, सुनो, मिस शांता दलवी, रूम नंबर 57, नल के पास, शांताराम की चाल, बंबई 4। तो ये था धारावाहिक नाटक 4 दिन। आज आपने सुना इसका दूसरा और अंतिम भाग। मूल मराठी लेखक विजय तेंदुलकर, हिंदी रूपांतर किया नारायण गंगाधर वजे ने, और निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।